एक गांव में बहुत पुरानी हवेली थी। कोई भी गांव वाला उस हवेली के आसपास जाने की भी हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि वह एक भूतिया हवेली है। कोई भी गांव वाला अगर गलती से भी उस हवेली में चला जाता तो कभी वापस नहीं आता था। एक दिन किशन अपने पास के जंगल में लकड़ी काटने जाता है। शाम को लकड़ियाँ काटने के बाद जब वह घर के लिए वापस आ रहा था तो बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और उसकी सारी कटी हुई लकड़ियाँ भीगने लगती हैं। अरे यह क्या, जब मैं सुबह घर से निकला था तो बारिश का कोई भी आसार नहीं था, परंतु यह एकदम से बारिश कैसे शुरू हो गई, अब मैं क्या करूं? तभी उसे कुछ दूरी पर वह पुरानी हवेली दिखाई देती है। अरे यह तो वही भूतिया हवेली है, गांव वाले कहते हैं कि इसमें जो जाता है वह वापस नहीं आता। अब मैं क्या करूं, इस हवेली में जाऊं या नहीं जाऊं, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। मेरी लकड़ियां भीगती जा रही हैं। चलो थोड़ी देर इस हवेली में रुक जाता हूँ, बारिश रुकते ही निकल जाऊंगा। किशन उस हवेली के पास चला जाता है। वहां पहुंचते ही उसे बहुत डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, परंतु किशन मजबूरी में उस हवेली के अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचकर वह इधर उधर देखता है, परंतु उसे कोई नजर नहीं आता। फिर वह थोड़ा और अंदर की ओर जाता है और कभी भी लौट कर वापस नहीं आता। उधर गाँव में किशन की पत्नी और उसका बेटा घर पर उसका इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन पूरी रात गुजर जाती है और किशन घर पर नहीं आता। फिर सुबह किशन की पत्नी और उसका बेटा गांव वालों के पास जाते हैं। अरे भैया जी, कल मेरे पति जंगल की तरफ गए थे लकड़ियां काटने, पूरी रात गुजरने के बाद भी वह घर नहीं आए, कृपया मेरी मदद करो उन्हें ढूंढने में। अरे सुनो बहन राधा, मैंने किशन को कल जंगल के रास्ते में देखा था, वह लकड़ियां काट के घर की तरफ आ रहा था और तेज बारिश भी हो रही थी। वह बारिश से बचने के लिए उस भूतिया हवेली में चला गया, मैं उसे काफी दूर था इसलिए उसे रोक नहीं पाया। और तुम तो जानती भी हो ना, उस भूतिया हवेली में जो जाता है वह कभी लौट कर वापस नहीं आता। हे भगवान, अब मेरे पति का क्या होगा? पवन भैया, आप मेरी मदद कीजिए और कुछ गांव वालों को लेकर उस हवेली में जाइए, क्या पता आपको मेरे पति के साथ और बाकी गांव वाले भी वहां मिल जाए। नहीं नहीं राधा बहन, तौबा मेरे बाप की तौबा, हम हवेली में कभी नहीं जाएंगे। सब कहते हैं कि उस हवेली में भूत रहता है, जो भी उस हवेली में जाता है भूत उसे कच्चा खा जाता है। नहीं नहीं बहन, हमें माफ करो, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। राधा सुबह से लेकर शाम तक गांव में मदद के लिए भटकती रहती है, परंतु कोई भी उसकी मदद नहीं करता। फिर राधा और उसका बेटा निराश होकर रात को वापस अपने घर की तरफ जाते हैं। अपनी माँ को परेशान देखकर गोपी अपनी माँ से, माँ तुम इतना परेशान मत हो, बाबा को मैं वापस घर लेकर आऊंगा। अरे बेटा, जब पूरे गांव वाले मिलकर उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे तो तुम क्या कर लोगे? कोई बात नहीं बेटा, भगवान तुम्हारे बाबा की रक्षा करेंगे, जाओ बेटा जाओ, बहुत रात हो गई है, अब तुम सो जाओ। परंतु गोपी रात भर सो नहीं पाता और अपने बाबा के बारे में सोचता रहता है। फिर वह फैसला करता है कि वह अपने बाबा को और बाकी गांव वालों को उस भूतिया हवेली से वापस लेकर आएगा। यही सोचकर वह आधी रात को जंगल की ओर चला जाता है। जंगल का रास्ता बहुत डरावना होता है, गोपी को बहुत डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, परंतु वह बिना घबराए उस हवेली की ओर चला जाता है। कुछ ही देर में वह उस भूतिया हवेली में पहुंच जाता है। हवेली के अंदर पहुंचने पर उसे वहां कोई भी गांव वाला दिखाई नहीं देता, सिर्फ डरावनी आवाजें ही सुनाई देती हैं। फिर वह हिम्मत जुटाकर हवेली में और अंदर की ओर जाता है, तभी अचानक उसके सामने एक भूत आ जाता है। अरे कौन है तू जो इस गुफा में मरने के लिए आया है? गोपी उस भूत को देखकर हक्का बक्का रह जाता है और डर के मारे कांपने लगता है। भूत को देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन गोपी उसे देखकर भागता नहीं और अपनी जगह पर डटा रहता है। अरे यह तो छोटा बच्चा है, मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन इसे यहाँ से कैसे भगाऊं? यह तो मेरा पूरा काम चौपट करवा देगा। दूसरी तरफ गोपी को घर में ना पाकर राधा बहुत घबरा जाती है। हे भगवान, अब गोपी इतनी रात को कहाँ चला गया? कहीं वह भी अपने बाबा को छुड़ाने के लिए भूतिया हवेली में तो नहीं गया? हे भगवान, उसकी रक्षा करना, अब मैं क्या करूं? फिर वह फटाफट भागती पवन के घर जाती है। देखो ना पवन भैया, गोपी घर में नहीं है, जिस तरह से मैं बातें कर रहा था जरूर वह अपने पिता को बचाने उस भूतिया हवेली में गया होगा, आप कृपया करके मेरी मदद कीजिए। फिर पवन और राधा जल्दी से बाकी के गांव वालों के पास मदद मांगने जाते हैं। अरे भाई बुरा, गोपी भी उस भूतिया हवेली में चला गया है, अब हम सबको मिलकर उसकी मदद करनी चाहिए। अगर एक बच्चा आधी रात को उस भूतिया हवेली में जाने की हिम्मत दिखा सकता है तो हम क्यों नहीं, हमें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। फिर तुम सही कह रहे हो पवन भाई,
गोपे की हिम्मत देखकर तो अब मुझ में भी हिम्मत आ गई है। चलो हम कुछ लोगों को लेकर उस भूतिया हवेली में चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। यही सोचकर कुछ गांव वाले उस भूतिया हवेली की ओर जाते हैं। दूसरी तरफ वह भूत गोपी को डरा कर भगाने की कोशिश कर रहा होता है। अरे मूर्ख बालक, क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? मैं तुझे कच्चा ही खा जाऊंगा। मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ, चला जा यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे तुम जो भी हो, मेरी बात सुनो। मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करता हूँ। अगर वे मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगा सकते हैं, तो मैं भी उनके लिए अपनी जान दे सकता हूँ। मैं उन्हें लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब मैं तुमसे नहीं डरता, तुम्हें जो करना है कर लो। अरे यह बच्चा तो बहुत बहादुर है, यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा। तभी सभी गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं। अरे अरे अरे, यह तो भूत है। पवन भैया भागो यहाँ से, यह भूत हम सबको कच्चा खा जाएगा। सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं। अरे मूर्ख डरो नहीं, देखो गोपी भी उस भूत के सामने खड़ा है। अगर भूत को इंसान को खाना होता तो वह अभी तक गोपी को खा चुका होता। जरूर दाल में कुछ काला है। सभी गांव वाले जाकर गोपी के पास खड़े हो जाते हैं। हा, लगता है आज तुम सबकी मौत तुम्हें यहाँ खींच लाई है। अरे ओ भूत, तुम जो भी हो, गोपी की हिम्मत देखकर हम सब में भी अब तुम्हारा सामने करने की हिम्मत आ गई है। अब हम तुमसे नहीं डरते। तभी सभी गांव वाले गुस्से में भूत की ओर बढ़ते हैं। अरे यह क्या, यह सब तो मेरी ओर आ रहे हैं, अब तो मुझे भागना ही पड़ेगा। अरे देखो देखो भाई, भूत तो दुम दबाकर भाग रहा है। लगता है यह असली भूत नहीं है, जरूर दाल में कुछ काला है। सभी गांव वाले भूत का पीछा करते हैं। भूत का पीछा करते करते वह ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें सभी गांव वाले मिल जाते हैं। वह सभी बुरी हालत में एक जेल में बंद होते हैं और सभी गांव वालों को अपनी ओर आता देखकर खुश हो जाते हैं। अरे भाई किशन, तुम सब लोग यहाँ जेल में बंद क्या कर रहे हो, और तुम सब लोग वापस गाँव क्यों नहीं आए? अरे पवन भाई क्या बताएं, इस आदमी ने भूत बनकर हमें जबरदस्ती यहाँ कैद करके रखा हुआ है, और खजाने की लालच में हमसे दिन रात यहाँ पर खुदाई करवाता रहता है। जब भी कोई गांव वाला इस गुफा की ओर आता है तो यह डरावनी आवाज निकालकर उसे भगा देता है। अगर कोई भी गलती से अंदर आ जाता है तो यह उसे अपनी जेल में कैद करता है और खुदाई के काम में लगा देता है। फिर जल्दी से सभी गांव वाले उस भूत को पकड़ लेते हैं। मुझे माफ कर दो भाइयों, मैं खजाने के लालच में तुम सबको डराता था। मैं कोई भूत नहीं हूँ, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। तुम लोग मुझे जो भी सजा दोगे मुझे मंजूर है। चलो चलो कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ वह बड़ी बात है, और सबसे अच्छी बात यह है कि तुमने किसी की जान नहीं ली। गांव वाले दिल के बहुत अच्छे होने के कारण उसे छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, बल्कि निडर और साहसी बनना चाहिए।